तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं नयति गुरुं यत्र पातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए मेरे प्रिय बहन भाइयों, सत्संग प्रेमी जनों, श्रोतागणों, स्वागत है आपका श्रीमद् भागवत के भागवत गीता के सत्संग में। धन्य आप जो भगवान की कथाओं में रुचि है आपकी। भगवान की कृपा अवश्य आप लोगों के ऊपर बरसेगी, बरस रही है। आइए आज के सत्संग का पान करें। पिछले सत्संग की कड़ी से जोड़ते हुए, पिछले सत्संग में प्रसंग था अमरीश महाराज का। अमरीश महाराज ने अपने पूरे जीवन को भगवान की शरण में लगाया। चक्रवर्ती सम्राट थे अमरीश महाराज, पूरी पृथ्वी का कर अमरीश महाराज लेते थे। लेकिन भगवान राधा गोविंद के भक्त बड़े भक्त थे, महान भक्त थे। इस बात को सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने मुखारविंद से परीक्षित महाराज को सुनाया उनके कल्याण के लिए। परीक्षित महाराज के दो प्रश्न थे, उन दो प्रश्नों के इर्द गिर्द सारी भागवत 18 लाख श्लोकों की भागवत पुराण महापुराण चलता है, घूमता फिरता है। वो दो प्रश्न परीक्षित महाराज के लिए थे। पहला प्रश्न था कि जो प्राणी मरणासन्न है, कहिए कि डेथ बेड पर पड़ा है, मृत्यु का इंतजार कर रहा है, अब मरा, आज मरा, कल मरा, एक घंटे में मरा, दो दिन में मरा, मरणासन्न है, उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए उसे जिससे उसका कल्याण हो। और हे गोस्वामी महाराज, दूसरा मेरा प्रश्न है, जो संसार को संसार में जीवन जीने के लिए आए हैं, जन्म लिया है, शादी ब्याह किए हैं, उनका क्या कर्तव्य है, उनको क्या करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो। बस ये दो प्रश्न के पीछे पूरी भागवत चलती है। इसमें अनेकों भक्तों की, सम्राटों की, अवतारों की कथाएं चलती हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पान करने वाला और पान करके 7 दिन के अंदर परीक्षित महाराज भगवान को प्रिय हो गए, भगवान के धाम को चले गए, गोलोक वृंदावन धाम को। परीक्षित महाराज के कल्याण के लिए सुखदेव गोस्वामी जी ने इनका उत्तर भी दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो मरण शैया पर पड़ा है उसे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, सतत उसका कल्याण निश्चित है। और दूसरा जो इस संसार में आया है,
जन्म लिया है, जीना चाहता है, शादी करेगा, बच्चे होंगे, ब्याह करेगा, सुखी बनेगा, उसको क्या करना चाहिए? उसके विषय में भी जवाब दिया है कि उसे भी सारे जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहना चाहिए, उनकी सेवा में लगा रहना चाहिए, उनके लिए कर्तव्य करनी चाहिए। और ये बात परीक्षित महाराज को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। परीक्षित महाराज अंत समय में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस शरीर को छोड़ के उनके धाम को चले गए। भागवत बड़ी रसीली है, आइए हम भागवत गीता की तरफ आते हैं। भागवत गीता में अम्बरीश महाराज का उल्लेख इसलिए लिया गया कि ध्यान योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी अम्बरीश महाराज को गिना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को एकाग्र कर दिया श्री कृष्ण जी के चरणों में, राधा गोविंद के चरणों में, उनका मन सदैव भगवान के श्री चरण कमलों में लगा रहता था, उनकी सेवा में, उनके श्रृंगार करने में, उनका मंदिर मार्जन करने में, उन्होंने अपने पूरे जीवन को भक्ति में लगाया। तो उनके एक एक अंग का वर्णन किया है इस श्लोकों में। सवई मना कृष्ण पदारविंद वाचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिं चकाराच्युत सत्कतो दे मुकुंद लिंगालया दर्शने दृशौ तद भक्ति गात्र स्पर्श अंग संगमम ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमद तुलश्यारस नाम तद अर्पिते पादो हरि क्षेत्र पदानुसर्पणी शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदनी कामं च दाश्य नातु काम कामयया यथोत्तमा श्लोक जनाशयारती। अम्बरीश महाराज ने अपनी वाणी से भगवान के वैकुंठ का गुणगान किया, भगवान की कीर्ति का गान किया, भगवान का नाम स्मरण किया, जप किया, कीर्तन किया, भक्तों के टोले में रोजाना ही सुबह शाम कीर्तन में झाप लोग हो जाते थे, मृदंग बजाते, कीर्तन करते, ऊंचे आलापन गाते, भगवान को पुकारते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन अपनी वाणी से भगवान का गुणानुवाद किया, गुणों का वर्णन करते थे, कथा कहते थे भगवान की, कीर्तन करते थे, नाम जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान का कीर्तन कीर्तना सदा हरे, सदैव भगवान का कीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कीर्तन करने से हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति अति श्रद्धा और अति प्रेम उमड़ता है और हमारे जीवन के इस अभ्यास से अंत समय में हमको भगवान श्री कृष्ण की ही स्मृति बनी रहती है
शरीर को छोड़ने के समय, तो अवश्य हमको ये जीवन का परम लाभ मिलता है। बोलो वृंदावन धाम, परम धाम वैकुंठ का, उसकी प्राप्ति होती है, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान के श्री चरण कमल का स्पर्श, उनका आलिंगन, उनकी सेवा हमको प्राप्त होती है। और एक नवयौवनम च, और एक नवयौवन से युक्त सुंदर देह की प्राप्ति होती है, ट्रांसेंडेंटल देह, स्पिरिचुअल बॉडी, जो सदैव भगवान की प्रेममयी सेवा करती है, प्रेम भरे गीत गाती है भगवान के, भगवान को रिझाती है। ऐसा शरीर मिलता है, ऐसी प्राप्ति होती है। स्पिरिचुअल लोक का वर्णन भगवान का भक्त कर सकता है, भगवान के नामों का वर्णन भगवान का भक्त कर सकता है, भगवान के रूप का, धाम का वर्णन भगवान का कोई भक्त कर सकता है। कोई डिग्री होल्डर नहीं, कोई फिलोसोफर नहीं, कोई गणितज्ञ नहीं, उसके लिए भक्ति चाहिए। भक्त्या माम अभिजानाति, अम्बरीश महाराज ने देखिए अपने मन को किस तरह से भगवान की श्री चरण कमलों में एकाग्र किया। ये योगी करेगा उसको लाभ मिलेगा, अपनी वाणी से भगवान का कीर्तन, भगवान के ग्लोरिफिकेशन, ईच स्टेप, पानी पियो तो, खाओ तो, कहीं जाओ तो, आओ तो, किसी खिले हुए फूल को देखो तो, उमड़ते हुए बादलों को देखो तो, गड़गड़ाहट करती हुई बिजली को देखो तो, भगवान का गुणानुवाद कर सकते हैं आप, भगवान की, भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं, भगवान की याद कर सकते हैं आप, तो आप धन्य है, बड़भागी है। किसी हवा में लहराते हुए वृक्ष को देख करके भगवान की याद नहीं आती, किसी सुंदर बच्चे को देखकर या किसी 100 वर्ष के बुढ़े को देख करके क्या भगवान की याद नहीं आती आपको? किसी ऊंचे महल को देख के क्या भगवान का मंदिर याद नहीं आता आपको? आता है तो आप धन्य हैं। अपने मकानों को बनाते हुए कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि एक छोटा सा मंदिर, चाहे घर में ही हम भी बनाए भगवान का? नहीं, भगवान को लोग एक कोने में रख देते हैं, छोटा सा फोटो, उस पर जाला वाला चढ़ा रहता है, धूल धूल चली रहती है, अगरबत्ती तो मिली जाती है, $1 का 3 पैकेट, एक जला देते हैं, सुबह हाथ जोड़ देते हैं, गणेश जी हो या लक्ष्मी जी हो, यही ज्यादा रखते हैं लोग, यही सिद्धि रिद्धियों के देने वाले। और आप लोगों को सिद्धि रिद्धि चाहिए तो इन्हीं को पूछना पड़ेगा, आपको, आपको विश्वास अपने जीवन के ऊपर ऐसा ही जमा है कि ये जीवन रिद्धि सिद्धियों से चलेगा, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन आपको गीता का ज्ञान यदि हो गया हो तो आपके पास रिद्धि सिद्धियां तो आ ही जाएंगी, वो तो स्वतः ही आ जाएंगी, लेकिन आपको जीवन का परम लाभ मिलेगा, भगवान मिलेंगे आपको। तो ये नहीं भूलिए कभी, आप भगवान को सदैव याद कीजिए, अम्बरीश महाराज की तरह उन्होंने अपनी वाणी से भगवान का सुबह प्रातःकाल स्नान करके 3 बजे और बैठ जाते थे अपनी आसन पर, माला लेकर के तुलसी की माला जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से जप होता है, वाणी से करो जैसे मैंने अभी किया, या विस्तरिंग तरीके से फुसफुसा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे पत्नी अपने पति से कान में कुछ सीक्रेसीज कहती है ठीक वैसे ही। तीसरा है मानसिक, आपके होंठ जवान बिल्कुल बंद है, शांत है, बैठे हैं आसन पर और मानसिक जब चल रहा है, एक एक शब्द मंत्र का भगवान के नाम आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं क्लियर, कुछ त्रुटि है तो आप वापस रिपीट भी करेंगे,
अंदर भी आवाज आती है। इसलिए ये वाणी जो जबान दिखाई दे रही है, इसके पीछे और भी एक सूक्ष्म जबान है जो चलती रहती है। कानों के पीछे और भी अति सूक्ष्म कान है जो ऐसे ऐसे आवाजों को सुन लेते हैं। ये योगी पुरुष जानते हैं, अनब की धुन सुनते हैं, ये कान नहीं सुन सकते, इनको तो बंद कर देना पड़ता है। वो अति सूक्ष्म कान है, ऐसे आंख भी ये आंख देखती है, लेकिन इनको बंद करो तो अंदर की एक और भी आंख है, वो कुछ और ही देखती है। आप बोलेंगे आंख तो बंद कर दी, डॉक्टर फूला किसी के आंख में जाला चढ़ जाए तो जाला उतारता है तब दिखता है, दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आंख बंद करो तो भीतर पूरा संसार दिखता है, वर्ल्ड यूनिवर्स दिखता है, महाप्रकाश दिखता है, अद्भुत रोमांचक दृश्य दिखते हैं जो कभी देखे। फिर योग साधना करने वाले को तो पता नहीं कहां कहां होके कितने अपार अथाह आकाशों में होके क्या कहां कहां उसका ये दृष्टि चली जाती है, त्रिकालदर्शी हो जाता है। त्रिकालदर्शी कोई आंख खोल के थोड़ी देखता है कि आज मुझे दिख गया, वो भविष्य दिख गया, नहीं, आंख बंद करके देखता है कि आगे क्या है, पीछे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है। उसको मालूम होता है जमीन में यहां पर पानी है या तेल, ध्यान से बता सकता है जिसको ये सिद्धि हो गई है। तो वाणी से आप भगवान का मानसिक जप कीजिए, उपासना जप कीजिए, या वाणी से जप कीजिए, तीन प्रकार से जप होता है। कीर्तन कीजिए, अरे कहीं पिकनिक स्पॉट पर गए हो वहां गुण कीर्तन कीजिए, कौन मना करता है आपको? कोई इतना ही तो समझेगा विदेशी होगा तो कि गाने गा रहा है तो वो भी खुश होगा, कहेगा क्या इंडियन गाने गा रहे हो? हमें मुझे कहते हैं बहुत से लोग कि अच्छी धुन है, क्या इंडियन हो आप? हाँ, इंडियन गाने बहुत पसंद अच्छे हैं। मैंने भी राज कपूर की फिल्म देखी, मुझे मिलते हैं विदेशी लोग, बड़े अच्छे गाने बजते हैं उसमें, बड़ा अच्छा म्यूजिक है। मैं कहता हूं भाई ये गोविंद के गीत है, मैं गाने नहीं गा रहा, मैं प्रे कर रहा हूं, अपने वंदना कर रहा हूं, भगवान की प्रेयर्स कर रहा हूं। I tell like this to them, हरे कृष्णा, आप गाइए, कीर्तन कीजिए। अमरीश महाराज अपनी वाणी का इस्तेमाल भगवान के कीर्तन में, जप में, उनके गुणानुवाद में, कथाओं में इस्तेमाल करते थे, फालतू बातों में नहीं, किसी की निंदा स्तुति नहीं, चुगली नहीं, कठोर शब्द नहीं, किसी का हृदय तोड़ने वाले तोड़ देने वाले शब्द नहीं बोलते थे, मृदुल शब्द, मीठे शब्द, भक्त थे महान भक्त अम्बरीश महाराज। सवै मन कृष्ण पदार बिंदु वाचांसु वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरे वंदे मार्जनादिशो सुरतिम चकाराच्युत सत कतो गए। उन्होंने अपने हाथों से हरि का मंदिर मार्जन किया, मार्जन रगड़ना, साफ करना, स्वच्छ रखना, रोज नित उठ के मन मंदिर के काफिले में झाड़ू रोज लगाया कर, तो ईश्वर के गुण गाया कर। अमरीश महाराज ने अपने महलों में सुंदर, अति सुंदर भगवान राधा कृष्ण का मंदिर बनवा रखा था, ऊंचे सिंहासन पर भगवान शोभायमान थे, उनके मंदिर को मार्जन करते थे, घुटने टेक करके जमीन में गिर करके, मसल रिगड़ रिगड़ के, बाकी बने हुए थे चक्रवर्ती सम्राट। उनको यह भी भाव नहीं था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, उनको इतना ही ज्ञान था कि मैं उसका दास हूं, मैं उसका भक्त हूं, उस मोहन का भक्त हूं, मैं उसका पुजारी हूं। मैं भक्त थे अम्बरीश महाराज, भारत में थे, कहीं अन्य नहीं। सुरतिम चकार अच्युत रसत कथो गए, कानों से हरि की कथा सुनते थे।
बड़े बड़े संतों को, महापुरुषों को, भक्तों को बुलाते थे, आचार्यों को बुलाते थे, ऊंचे व्यासासन पर उनकी स्वागत करके, उनके फूलों की माला पहना करके, चरणों में प्रणाम करके नीचे बैठ जाते थे, कथा सुनते थे कि देवकी नंदन की कुछ कथा सुनाइए, श्याम सुंदर की कुछ कथाओं का वर्णन कीजिए गुरुदेव। सुतेन चकारा चुत सब कथो गए मुकुंद लिंगालया दर्शने दशो। और भगवान मुकुंद यानी श्री कृष्ण के, श्री विग्रह के और उनके मंदिर के दर्शन के लिए अपने नेत्रों को खोलते थे, तरसते थे नेत्र उनके कि भगवान के दर्शन हो जाए, उनके श्री विग्रह के दर्शन हो जाए, मूर्तियों के, उनके मंदिर के दर्शन हो जाए। दूर से प्रणाम करे, साष्टांग गिर के मंदिर को देखते ही भाव अवध होकर प्रणाम करते थे, झुक जाते थे और नजरें उठा के देखते थे कि भगवान का मंदिर है, मेरे गोविंद विराजे हैं। मुकुंद लिंगालय दर्शन दर्शो तद प्रतिदात स्पर्श अंग सन्नम। और अपनी गात्र से, अपने शरीर से भगवान के भक्तों के शरीरों का आलिंगन करते थे, भक्तों की टोली बुलाते थे, उनको आलिंगन स्पर्श करते रहते, कभी हाथ पकड़ते, कभी चरण पकड़ते, कभी उनका आलिंगन करते, भगवान के भक्तों का, श्री कृष्ण के भक्तों का, उनको बाहों में भर लेते, गदगद हो जाते। तद भक्ति गात्र स्पर्श अन्न संगम घ्राणम चत पाद सरोज सौरवे। और नासिका से एकमात्र जो आनंद लेते थे सुनने का, वो श्री श्याम सुंदर के, राधा रानी के चरणों में जो सुबह ताजा फूल चढ़ते थे और उनसे जो खुशबू निकलती थी, उस खुशबू से वो अपनी नासिका को तृप्त करते थे। तत्पाद सरोज सौरभ श्रीमत तुलस्या रसनाम तद अर्पित। भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित तुलसी या उनके भोग में अर्पित तुलसी, जब भोग प्रसाद बन के आता था तो तुलसी के पत्ते को सबसे पहले जबान पर रख के तुलसी के पत्ते का स्वाद लेते थे, फिर शुद्ध भोज भगवान का प्रसाद खाते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपनी रसना को तृप्त किया, रसना को रस पिलाया। पादो हरे क्षेत्र पदाम सर्पने सिरो ऋषिकेश तदाभिवंदने। और अपने चरणों से उन्होंने अपने चरणों को, अपने पाओ को भगवान की सेवा में लगाया। इन पाओ से पैदल चल के, बिना जूते पहने पैदल चल के धामों में जाते थे, जब भगवान के धाम है, लीला धाम है, वृंदावन, मथुरा, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, गोमती, नर्मदा, पैदल चलकर धामों पर जाते थे, हर हर गंगे करते थे, अपने पांव से पैदल चल के जाते थे, पालकियों पर नहीं, घोड़े पर नहीं, भक्तों के टोले से घिरे हुए कीर्तन करते हुए पांव से पैदल चल के भगवान के धामों को जाते थे, मंदिरों के दर्शनों को जाते थे, पैदल नंगे पांव। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पने शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। और अपने सिर से उनका सिर झुका, सदैव के लिए झुका रहता था और भगवान के श्री चरण कमलों की वंदना करते थे। कस्ते तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासागे वरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे मोक्तावली गोपा स्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। उन्होंने अपने सर को झुकाए रखा भगवान के पाद पद्मों में, चरण कमलों में, और उनकी वंदना करते थे।
कि धन्य है शरण कमल, इनके दर्शनों को मिलियंस ऋषि मुनि श्रेष्ठ भक्त तरसते हैं। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तिरन सो तेरे आधीन। राधे के, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी कभी राधा जी के चरण दबाते हैं, अपने भक्तों के चरण दबाते हैं, अपने भक्तों के चरण धोते हैं, उनका चरणामृत पीते हैं, अपने भक्तों के चरण को चूम लेते हैं। वो परम है, उनका व्यवहार परम है, वो परमेश्वर है। वो किसी का दिया रखते नहीं, कोई देता है उससे 10 गुना अवश्य देते हैं, कोई प्रेम देता है 1 गुना वो 10 गुना प्रेम करने आते हैं, कोई 1 कदम चल के उनकी ओर जाता है तो 10 कदम चल के आगे आते हैं। वो भगवान है, परम परमेश्वर है, उनका परम व्यवहार है। पादो हरेर क्षेत्र पदानुसर्पने शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदनि कामं च दाश न तु काम कामो। और वो जितना भी अपना काम करते थे, कर्तव्य करते थे, दिन भर और रात और दिन जो भी कर्म करते थे, वो दास भाव में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते थे कि इस कार्य से भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे, इस कार्य से, इस न्याय से भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई काम नहीं किया। कामं च दाश मातु काम कामया कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज की रति प्रेम प्रेम भाव भक्ति भगवान उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के आश्रय में और उनके भक्तों के आश्रय में सदैव उनका प्रेम पलता था, पनपता था, दिन प्रतिदिन बढ़ता था। द्वितीया के चंद्रमा की तरह, जैसे द्वितीया के चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है दिन प्रतिदिन, ऐसे उनका प्रेम भक्तों के आश्रय में रहकर के और उत्तम श्लोक राधा कृष्ण के आश्रय में चरणारविंद में रहकर के गुजरता था, बढ़ता था। अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनके नाम लेने से ही हमारे हमको भक्ति आती है, प्रेम आता है, भगवान की सेवा करने को मन होता है। अम्बरीश महाराज एक नील गगन के स्टार थे भगवान के भक्तों में। ध्यान योग में आपको एकांत नमस्कार। प्रोग्राम सत्यम शिवम सुम